बरेली के होटल में 28 वर्षीय लड़की की लाश मिली। गला कटा हुआ था और कपड़े भी अस्त-व्यस्त थे। बुर्का अलग पड़ा मिला। इससे आशंका है कि लड़की मुस्लिम थी। होटल का ये कमरा मोहम्मद आलम की आईडी पर बुक किया गया था और अब वो लापता है। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुराना रोडवेज बस स्टैंड पास एक होटल में बुर्काधारी लड़की की गला काट कर हत्या कर दी गई। आरोपी की लाश छोड़कर फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक नगर राहुल भाटी ने बताया कि पुलिस ने अजनबी लड़की का रक्त रंजित शव होटल से बरामद किया। हत्यारे की पहचान बरेली निवासी आलम हसनैन कुरैशी के रूप में की गई। पुलिस की कई टीमें हत्यारे की तलाश में लगातार जुटी। पुलिस के अनुसार बरेली शहर में होटल प्रति पैलेस में अज्ञात युवती निर्मम हत्या की गई। घटना के बाद फरार हो गया आलम कुरैशी भी होटल के पास स्थित मोहल्ला आजम नगर में रहने वाला है। होटल में कमरा बुक कराते समय जमा किए गए आधार कार्ड पर आलम कुरैशी की पहचान हुई। हालांकि रूम लेते वक्त लड़की की कोई आईडी जमा नहीं करवाई गई। होटल प्रबंधन भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने होटल मैनेजर और स्टाफ से पूछताछ की। होटल मालिक करणप्रीत सिंह ने पुलिस को बताया कि 18 अगस्त को आलम की आईडी से उनके यहाँ कमरा किराए पर दिया गया। युवक साथ करीब 28 साल की युवती भी पहुंची थी। नियमानुसार ऐसे मामले में रूम के रुकने वाले सभी लोगों की आईडी जमा करवाई जाती है, लेकिन होटल स्टाफ ने ऐसा नहीं किया। रूम लेने के बाद आलम ने किसी वक्त अंदर युवती की किस धारा कर हथियार से गला काट दिया और फिर दरवाजा बंद कर वहां पे फरार हो गया। सोमवार आलम कुरैशी होटल से बाहर जाता दिखा, जबकि कर्मचारियों ने ये सोचकर कमरे की ओर ध्यान नहीं दिया कि लड़की अंदर है। मंगलवार सुबह जब कमरे से दुर्गंध आना शुरू हो गई तो थाना में सूचना दी गई। पता होते ही एसपी सिटी राहुल भाटी कोतवाली पुलिस साथ मौके पर पहुंचे और मुआयना किया। होटल के कमरे का दरवाजा खोले जाने पर अंदर कमरे के बेड पर युवती की खून से लथपथ लाश बरामद हुई। उसके कपड़े बिल्कुल अस्त-व्यस्त दिखे। होटल प्रीत पैलेस के कमरे में एक युवती की लाश पड़ी है, जिसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। इस युवती की शेनाख्त फरजाना उर्फ शब्बो निवासी थाना शाही जनपद बरेली के रूप में हुई है। इसकी अभियुक्त आलम द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। घटना के संबंध में जब जांच की गई तो स्पष्ट हुआ कि दिनांक 19 अगस्त 2024 को शाम को तकरीबन 5:30 बजे के आसपास अभियुक्त आलम द्वारा धारदार हथियार से इस युवती की हत्या करके शव को होटल के रूम के अंदर ही छोड़कर वहां से अभियुक्त फरार हो गया था एवं दिनांक 19 अगस्त 2024 को रात्रि करीबन 9:15 बजे थाना जीआरपी द्वारा धनेटा क्रॉसिंग थाना फतेहगंज पश्चिमी पर एक युवक की ट्रेन के द्वारा रन ओवर के बाद मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। जीआरपी द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई की गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया था। आज उस युवक की शिनाख्त अभियुक्त आलम के रूप में हुई है। परिवारजनों द्वारा अभियुक्त को पहचान लिया गया है। हम अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।